ये सारी की सारी लड़ाई अब धारणाओं पर आधारित हो गई है। धारणा हिंदू पक्ष ने ये बना ली है कि जो आकृति दिखी है, जो शिवलिंग नजर आ रहा है, उसमें उन्हें पूजा का अधिकार मानना चाहिए और इससे कमतर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। जबकि दूसरी धारणा इसी वाराणसी में इस बात को लेकर घूम रही है कि जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है, दरअसल वो तो मात्र फव्वारा है। दो अलग अलग धारणाओं के बीच आखिर सच ज्ञान वापी का कब सामने आएगा, ये सवाल यहाँ पर कायम है। लेकिन दोनों ही पक्षों के लोगों के एक दूसरे पर किस तरह के आरोप हैं, अब उसको बताती भी हमारी ये रिपोर्ट। पूरी काशी झूम रही है, बाबा बाबा बोल रही है और हमारी अब एक ही भावना है कि बाबा मिल गए, भोलेनाथ जब प्रकट हो गए तो सबसे पहले काशीवासियों को उनके भोजन पूजन अर्चन बंधन का अधिकार मिले, क्योंकि जब बाबा प्रकट हो गए हिंदुओं के देवता नाबालिग होते हैं और संरक्षक उनका उनकी धर्मवान जनता होती है, वो जनता उनका संरक्षक होती है, वही उनका भोग प्रसाद। तो आप संरक्षण की मांग कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भोग प्रसाद लगना शुरू। तो हमारी ये मांग है कि बाबा जब प्रकट हो गए हैं तो सबसे पहले काशी की हिंदू जनता को उनके भोग प्रसाद पूजन अर्चन और बंधन की तत्काल सुविधा भारत सरकार उपलब्ध कराए। तत्काल सुविधा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलेगी, कि काशी बम बम करे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिवलिंग मिला है काशी में, शिवलिंग मिला है ज्ञान वापी, खुश है भारत के वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, मान पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर, और 400 साल से उस वजू को उस फवारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये फवारे को अगर इस तरह अगर पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, ताजमहल के सामने भी फवारे लगे हैं, कहां जाके बात रुकेगी फिर ये। कहते कि मस्जिद है ना, यहाँ मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा। खुदा से गर तुम, खुदा को गर तुम मानते हो तो क्यों डरते हो खुदाई से, सब कुछ साफ हो जाएगा, भागो नहीं सच्चाई से। ये है, और मैं बता दूं, किसी ब्राह्मण को अगर आप जालीदार टोपी पहना दीजिए तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से अगर किसी आप मुसलमान को जनेऊ पहना दीजिए तो हिंदू नहीं हो सकता। उसी तरह से ये हमारा मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा, मंदिर रहेगा। मस्जिद वाले लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग तो अजान कर रहे हैं कितने साल। औरंगजेब जब मंदिर को तोड़ा है तो वो कहाँ से सोच लिया वो मंदिर मेरा रहेगा रहेगा। ओवैसी कभी आके देखे है ज्ञान बापी, बात कर रहे हैं, नहीं देखे, कभी नहीं देखे, कभी नहीं आए, नहीं नहीं नहीं, ज्ञान बापी कभी नहीं आए, नहीं आए, नहीं नहीं आए, बुला रहे हो कि आके देखे, आके करेगा कुछ है ही नहीं है तो देखेगा क्या। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है फव्वारा है और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है, शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता, उसके ऊपर निशान भी पांच खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज़ रख के दाब करके उसको कसा गया था फव्वारा, वो टूट गया फव्वारा, और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है, उसमें सीक एक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी, लगता है उसके नीचे वो कुछ जाम वगैरह होगा इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है।
सदियों से आ रही है, हम वहाँ पे मंदिर है, इन्होंने कभी एक साक्ष्य भी दाखिल किया क्योंकि भारत में कहीं भी हमने मस्जिद को तोड़ के मस्जिद बनाई। अंदर की तस्वीरें भी योगेंद्र दिखाइए, सैन्य द्वार के अंदर से देखिए दर्शन करके लोग के सामने काफी ज्यादा भीड़। गौरी का ही मंदिर वहाँ पर है मैम, और अनादि काल से भगवान स्वयंभू विश्वनाथ वहाँ पे विराजमान थे, सनातन हिंदू धर्मावलंबी वहाँ पे पूजन अर्चन करते आ रहे थे। भारत के एक आताताई जिसने अपने बाप को कैद किया, बड़े भाई दारा शिको का उसने हत्या किया, ये इतिहास में पढ़ाया गया है, इतिहास में लिखा हुआ है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो अजान होती रही है ना? अजान होती रही, लेकिन मेरे इष्ट देव जो मेरे शंकर थे उनको कैद करके रखा गया है, और वहाँ पे वजू करते थे, वहाँ अजान करते थे, कुछ पहले कुछ संख्या में करते थे, जब राम मंदिर बड़ी संख्या में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जैसे हम कहते हैं ना कि ये मुस्लिम जब भी नमाज पढ़ते हैं तो पश्चिम की ओर मुख करके पढ़ते हैं क्योंकि उनका मक्का मदीना पश्चिम में है, उसी तरह नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। यह प्रमाण है कि वह बाबा विश्वनाथ का स्थान है, प्रमाण है इस बारे में, बाबा विश्वनाथ पूरा 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 प्रमाण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये सनातन धर्म से चलने वाली संस्कृति है और सनातन संस्कृति से पुरानी कोई संस्कृति नहीं है। तो जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, आप उन इतिहास को भी नहीं मान रहे हो, आप न्यायालय की बात को भी नहीं मान रहे हो, आप किस बात को मानोगे? हम लोग की जीत होगी, कैसे जीत होगी? साक्ष्य चाहिए ना उसके लिए, दो दिन बाद कोर्ट में आएगा ना साक्ष्य, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या आएगा निकल के? जो भी सामने है, जो हमारी सच्चाई है, जो हमारा मंदिर है, वो वास्ते उभर के निकल के सामने आएगा। अंदर तो आप लोगों ने कुछ देखा है नहीं, केवल ऐसे कल्पना के आधार पर तो नहीं बातें? हमारी फोटोग्राफी गई है ना, और वो न्यायालय के पास पेश किया है, जो न्यायालय फैसला लेगी वो साले हम लोग के हक में, वो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा।